वेलकम बैक टू तबस्सुम हैदर अनदर ब्लॉग। सो कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, काफी मजे में होंगे, काफी अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज की वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सो लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि शादी की तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं, आई होप आपने वो ब्लॉग जरूर देखा होगा। एंड एज यू नो दैट मैं मेरठ में हूँ और मेरी सिस्टर की शादी है, तो बस उसी में हम लोग सभी लगे हुए हैं। एंड अभी जो टाइम है वो नाइट का टाइम हो रहा है और रात के लगभग 10 बज रहे हैं। एंड कल सुबह मतलब कल दोपहर तक हल्दी है हमारे यहाँ, तो अभी फिलहाल जोरों शोरों से चल रही है हल्दी की तैयारियां। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हलचल हो रही है पूरे घर में, मतलब सब लोग हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। और एंड साथ ही साथ जो हम लोग हल्दी के दिन बनाते हैं, मतलब पूरी उरी जो भी हम लोग बनाते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो वो तो करूंगी मैं आपके साथ मॉर्निंग में जब मतलब खाना वाना बनना हो जाएगा शुरू। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या चल रही है हमारे यहाँ पर तैयारियाँ। तो अम्मी पापा हैं, मेरे भाई हैं, बहनें हैं, इवन मेरी खाला भी आई हुई है, तो हम सब तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ एक झलक। सो गाइस इधर आप लोग देख सकते हैं कि महक ने पूरा अच्छे से यहाँ से सारा वॉश करके और काफी अच्छे से क्लीन कर दिया है। एंड इधर कुछ सिलेंडर रखे हुए हैं, देन आप इधर देख सकते हो ये सारी चीज़ें मतलब अच्छे तरीके से काफ़ी साफ सफाई हुई है। तो आज बस हम लोग मॉर्निंग से ही लगे हुए हैं। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ थोड़ी सी और झलक। और इधर है पापा, तो ये संदली खड़ी हुई है क्योंकि यहाँ बेसिकली लगने वाले हैं पर्दे। तो ये है इधर हमारी खाला जो आज ही आई है मतलब हल्दी से पहले। और इधर आप लोग देख सकते हो ये है शोएब, जो आई होप आपने गए सारे ब्लॉग्स में पहले ही देखा है इसको। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या योगदान है आज? मैं अभी भी दुकान पर आया हूँ और उन्होंने मुझे आते ही काम दे दिया पर्दों का, देखो संदली मैं ठाक लाया हूं। तो ये संदली यहाँ पर लगी हुई है और इसकी हाइट सबसे ज्यादा लंबी है, लंबू बोलते हैं इसको घर में। तो इसी का वेट कर रहे थे मॉर्निंग से के आते ही उसको उससे पर्दे लगवाने हैं। तो ये थोड़ा सा आज लेट आया था। और इधर जो है बस सब लगे हुए हैं किसी न किसी प्रिपरेशन में। और इस कमरे में ज्यादा सामान फैला हुआ है बिकॉज जो ब्राइडल के हल्दी के कपड़े हैं या फिर हम सबके हैं इवन, तो कपड़ों का जो भंडार होता है इसी रूम में होता है बेसिकली। और ये रूम था मेरा, मतलब इवन अभी भी है, ऐसा नहीं है कि मेरा रूम नहीं है, मेरा फोटो यहाँ पर अभी भी लगा हुआ है पिछले लगभग 10 साल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड इधर है पापा। और थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि महक जो है वो ये रही पूरा मतलब दोपहर से लगी हुई है साफ सफाई में और अभी भी इसके पूरे कपड़े भी गीले हैं और लगी पड़ी है। रात के 10 बजे का टाइम हो रहा है और इधर खाला भी आते ही मतलब लग गई थी, तो इन्होंने भी काफी सारी जो है हेल्प की हमारी साफ सफाई। होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना, पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को कर लेना जल्दी से सब्सक्राइब। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरा भाई है छोटा वाला वो पर्दे टांग रहा है और यहाँ पर हम बीच बीच में उसको बता भी रहे हैं। एंड यहाँ पर जो है खाला उसकी हेल्प कर रही हैं। तो बस इसी तरीके से पूरा प्रोसेस ही चल रहा था। पापा जो है इधर कुछ ना कुछ करने में लगे हुए थे और ये केक काफ़ी अच्छा सा शो पीस है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जो यहाँ पर हमने इसको हैंग कर दिया। इधर आप देख सकते हैं कि पापा भी शुरू हो गए हैं वाइपर लेके। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये भी मूड में आ जाते हैं अपना, तो हमें काम करता हुआ देख के यहाँ पे थोड़ा पानी वानी बिखरा हुआ था, सो देन ही ऑल्सो स्टार्टेड। एंड इधर हम ड्राॅइंग रूम में आ गए थे तो यहाँ पर भी थोड़ा सा क्योंकि सफाई की थी तो दैट्स वाई यहाँ पर पानी हो रहा था, तो यहाँ पर भी इन्होंने क्लीन करना शुरू कर दिया और भाई लगा हुआ था अपना पर्दे वगैरह हैंग करने में। तो बस हम सभी का डिस्कशन इस तरीके से चल रहा था और ये पूरी हेल्प कर रहा था मेरा भाई पर्दे लगाने में। और इधर जो है हमारा ये ड्राइंग रूम के अंदर मतलब कुछ ऐसा पूरा एरिया है जहाँ पर हम लोग काफ़ी अपना टाइम स्पेंड करते हैं और अभी बस ऐसे ही प्रिपरेशन हम लोग करने में लगे हुए थे और यहाँ पर सॉन्ग वगैरह चलाने का भी हम बंदोबस्त कर लिया। एंड गाइज इधर हमारी चल रही है फूलों की प्रिपरेशन और रात के बज रहे हैं अभी पूरे 12। तो यहाँ पर महक आप देख सकते हो, तो महक अपना लगी हुई है। महक व्हाट आर यू डूइंग, हिप्पी आप क्या कर रहे हो? मैं दूध पी रही हूं। वेरी गुड। और इधर खाला क्या कर रही है? वो कर रही है फूलों की तैयारी। तो ये बड़ी बूढ़ी हमारी फूलों की तैयारियां कर रही है। तो बेसिकली अभी जो है और गेस्ट तो आए नहीं है, तो इधर खाला है, तो खाला हमारे साथ लगी हुई हैं और ये भी बेचारी रात को 12 बजे मतलब पूरी मेहनत से, क्योंकि पहले वाले ना आटा वगैरह तैयार करके रखना पड़ता है। तो इधर आप लोग देख सकते हो, तो यहाँ पर पूरे रात के 12 बजे हम तैयारी कर रहे हैं और यहाँ आटा छन रहा है, अभी खाला इसको गूंदेंगी तैयार करेंगी। सिलेंडर वगैरह हमने चेक कर लिए हैं मतलब तैयार है, बेसिकली जो भट्टी है उसको चेक करना पड़ता है
है, कभी लास्ट मोमेंट पे धोखा दे जाए। तो चलो अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगी किस तरीके से इसको जो है गूंदा जाता है, ठीक है। तो इसका जो पानी है उसको पकाया जाता है, हो सकता है किसी कम्युनिटी के लोग मतलब इस तरीके से बनाते हो सकता है कुछ लोग ना भी बनाते हो। तो हमारे यहाँ जब हल्दी होती है तो हम लोग इस तरीके से पूड़े बनाते हैं, देन पूरियां भी बनाते हैं। तो पूरियां तो हम सुबह में ही तैयार करेंगे और इसका हमें आटा बेसिकली भी तैयार करके रखना पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आटा होता है तैयार। तो ठीक है, सो यहाँ पर खाला ने प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी थी पूरे बनाने के लिए, एंड यहाँ पर पानी जो है वो बॉईल होने के लिए रख दिया था ताकि इसको इसमें ऐड कर सके। एंड इधर जो है महक वो आटा प्रिपेयर कर रही थी सो दैट इसको अच्छे से हम लोग गूंथ सके। सो हमने इधर चूज किया है और क्या कहते हैं, मैं बोल रही हूँ भाई से कि इसको भाई को हटा लो यहाँ से, क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं और वो हटाने नहीं, वो सो रहा है। मैं बोल रही हूँ अंजू भाई के टिफिन की सोगा ना, तुम्हें तो हटा दो यहाँ से भाई, क्योंकि वो हटा नहीं रहे हैं। सो हम लगे हैं थोड़ी प्रिपरेशन में, सो मिलते हैं अब, हो जाना। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर महक ने डेकोरेशन करनी कर दी थी शुरू हल्दी के फंक्शन के लिए, और जो भी डेकोरेशन की इन्होंने खुद ही की है महक एंड सना ने। तो आप देख सकते हो यहाँ पर रात के लगभग 2 बजे का टाइम था और ये बिल्कुल सोने के मूड में नहीं थी, बिल्कुल एक्साइटेड थी। और जो भी डेकोरेशन की इन्होंने खुद ही की है सारी चीज़ों को अरेंज करके, और जो फाइनल लुक निकल करके आया वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, जो कि मैं आपको कंप्लीट हल्दी के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सना भी हेल्प कर रही थी महक की काफ़ी, और महक ने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब खुद क्रिएट की है, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, और काफ़ी मेहनत से इन लोगों ने यहाँ पर पूरे डेकोरेशन का प्रोसेस किया। इधर आटा भी तैयार हो गया था पूरे बनने के लिए, जो कि अर्ली मॉर्निंग में बनने थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब देखो यहाँ पर हो गया है अर्ली मॉर्निंग का टाइम, तो यहाँ 6 से 7 के आसपास का टाइम हो रहा था मॉर्निंग में। तो जो खाला हैं और सचिन अंकल हैं वो बनाने शुरू हो गए थे, और बाद में मेरी नानी भी आ गई थी और फिर सना ने भी हेल्प की। तो इन लोगों ने इस तरीके से यहाँ मिलकर जो है पूरे बनाए, देन पूरी बनाई, रायता, आलू की सब्जी, तो इस तरीके से सारी चीज़ें बनाई। तो हमारे यहाँ इस तरीके से होता है, आपके यहाँ किस तरीके से होता है वो आप मुझे ज़रूर बताएगा कमेंट सेक्शन में हल्दी के दिन पर। और ये हल्दी की मॉर्निंग हो गई थी क्योंकि कुछ डेकोरेशन बच गई थी रात, तो जो बच गई थी डेकोरेशन वो महक ने यहाँ पर मॉर्निंग में करनी शुरू कर दी। कुछ गेस्ट भी आ गए थे। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, कंप्लीट ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी हल्दी के ब्लॉग में। तो मेरे साथ बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।